सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम ज़िया। देखिए गाइस, आज मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा रिंग वाला बुटीज बनाया है। ये रिंग का मैंने पूरा सूट बनाया है, मैंने इसके कैप की भी वीडियो अपलोड की थी। अब इसके साथ का मैंने ये देखिए बुटीज बनाया है, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा। ये करीब 6-7 महीने के बच्चे को आ जाएगा। चलिए अब ये कैसे बनेगा मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं। 15 फंदों में हमने ये इधर से है ये सीधा, 15 फंदों में मैंने ये 32 रो बनाई है, जिसमें हमारी ये 16 लाइन ऊपर आई हैं। ये 16 लाइन है यहाँ पर, ये 16 लाइन आपने बना लेनी है। उसके बाद जब ये उल्टी सिलाई आएगी आपकी तो ये डिज़ाइन डालना है। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था डिज़ाइन, लेकिन मैं एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए 2 फंदे बुनेंगे हम पहले, 1 2 सीधे फंदे बुनेंगे, उल्टी सिलाई है लेकिन इस पर हम सीधे फंदे बुनेंगे। तीसरे फंदे पर बनाएंगे यहाँ पर हम, ये स्टार्ट का है तो मैं तीसरे फंदे पर ये बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 बार हमने ये लिया है, 15वीं बार में ये इसको हम बुनाई करेंगे। दोबारा से लपेटना पड़ेगा। देखिए निकाल लिया हमने फंदे में से, अब हम इसको खोलेंगे। खोलकर इस धागे को इस तरह से खींच देंगे, फिर दोबारा से इसको एक बार खोलेंगे और इस तरह से इसको खींच देंगे, और अगले फंदे में इसको हम, अब देखिए हम एक फंदे के साथ ये अटैच हो गया, 2 3। अब हम ये यहाँ चौथे फंदे पर बनाएंगे। यहाँ तीसरे पर बनाया है स्टार्ट में, क्योंकि कम फंदे हैं हमारे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बहुत सारे धागे हो जाते हैं तो इसलिए बड़ी मुश्किल से यहाँ पर निकलता है। ये देखिए अब इसमें हमने यहाँ पर अटैच किया, 1 2 3, 3 फंदे बुने। अब ये चौथा फंदा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 बार लपेटने के बाद खोला इसको, इस धागे को खींचा, फिर से इसको खोल दिया दोबारा से, फिर से इसको खींचा। अब देखिए ये वाला जो है लास्ट वाला, ये ध्यान देना है आपने, लास्ट वाले ऊन को हम इस तरह से आगे लाएंगे, क्योंकि 4 फंदे मैंने ये बॉर्डर के रखे हैं ऊपर, तो इनको हम चारों को उल्टा बनाएंगे। देखिए ये रहा, ये देखिए इस तरह से, जब ये 4 फंदे आपके रह जाएंगे लास्ट का आप ये रिंग बनाएंगे, तो इस ऊन को आपने यहाँ आगे ले आना है, क्योंकि इस उल्टे फंदे के साथ हमें इसे अटैच करना है। 1 2 3 4, 4 फंदे ये बॉर्डर के हैं जो ऊपर आएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये एक फंदा पहला हम बिना बुना उतारेंगे, 1। ये पूरी सिलाई हमने अब ये उल्टी बनानी है, पूरी सिलाई को उल्टा बना देना है। पूरी सिलाई को ये उल्टा बना दिया। अब हमारी रॉन्ग साइड आई है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। बस आपको मुझे यही दिखाना है, ये पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे कि किस तरह से रिंग आपको करने हैं, रिंग के बाद कितनी सिलाइयाँ उल्टी लेनी है। एक हो गई, ये हमारी दूसरी चल रही है, उल्टी ही उल्टी सिलाइयाँ इसमें चलेंगी। देखिए 2 हो गई हमारी उल्टी सिलाइयाँ। अब ये राइट साइड आई है,
फिर से ये हमारी अब तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई उल्टी बनाने के बाद चौथी सिलाई उल्टी आएगी, उस पर फिर से हम ये रिंग बनाएंगे। बस इसी तरह से आपने करना है। ये देखिए ये सीधी सिलाई भी हो गई। तीन उल्टी सिलाइयाँ बनाने के बाद जब आपकी ये चौथी उल्टी सिलाई आएगी, फिर से आप रिंग बनाएंगे। तो इसमें फिर से ये दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो, और तीसरे फंदे पर जिस पर आप पहले बना चुके हो तीसरे फंदे पर, उस पर आपने ये रिंग बनाना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस इसी तरह से आप ये रिंग बनाते जाओगे। पहला रिंग आपने तीसरे फंदे पर बनाना है, वरना फिर आपने उसी तरह से चौथे फंदे पर। बस अब इसी तरह से ये चलता रहेगा जिस तरह से मैंने आपको स्टार्ट में बताया है। देखिए तीन बुन लिया, अब चौथे पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15वें पर हम ये बुन देंगे फंदा। फिर यहाँ पर अटैच करेंगे, एक दो तीन, चौथे पर फिर रिंग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए अब ये वही चार फंदे फिर से आ गए हैं। तो ये वाला जो है रिंग हम उल्टे साइड से अटैच करेंगे इसके, इसको आगे लाएंगे उनको, और ये चार फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुन देंगे। ये चारों हमने ऊपर की साइड का हिस्सा रखा है, ये देखिए बस। फिर अब आपने एक उल्टी सिलाई ये बनेगी, इसके बाद फिर एक उल्टी पर उल्टी बनेगी, फिर एक सीधी पर उल्टी बनेगी। तीन सिलाई उल्टी बनाने के बाद चौथी सिलाई जो आपकी आएगी उल्टी वाली, उस पर से आप फिर से रिंग लगाएंगे। देखिए कितने कितने आपने रिंग बनाने हैं, मैं ये आपको दिखा दूं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 रिंग आपने ये बना लेने हैं। इसी तरह से 12 रिंग बनाने के बाद फिर से आपने ये 16 यहाँ पर देखिए, ये जो है ये 16 सिलाइयाँ फिर से ये ऊपर वाली लाइन लेनी है। 32 सिलाइयाँ बुनने के बाद ये 16 आ जाएंगे। अब मैं ये सब कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या करना है। देखिए गाइज मैंने ये भी रेडी कर लिया है। चलिए अब इसको सीने की तैयारी करते हैं कि ये किस तरह से सिलेगा। देखिए पहले हम सुई में ये ऊन डालेंगे, और इस साइड से सियेंगे जिधर हमारा ये ऊपर ये चार वाला हमने ये बॉर्डर रखा था, चार फंदों वाला। देखिए इसे यहाँ से सीना शुरू करेंगे जहाँ पर ये डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है। थोड़े थोड़े से फंदे इस तरह से लेंगे एकदम ऊपर की साइड से। जहां तक ये डिजाइन हमारा खत्म हो रहा है वहीं तक हमने इसको सी लेना है। देखिए अब हम ये उल्टी साइड से ये सीधी साइड अंदर करेंगे और उल्टी साइड से इसे यहाँ पर कस कर बांध देंगे। देखिए इसको बांध दिया है हमने। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा हमारा होल आया है, इस होल को हम बंद करेंगे। इस होल को यहाँ पर बंद कर देना है। देखिए यहाँ पर ये कोई होल नहीं दिखना चाहिए, ये यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे। और थोड़ा सा हिस्सा हम ये वाला भी यहाँ से लेंगे, यहाँ से एक फंदा लेकर इस तरह से यहाँ पर भी इसको सी देंगे। ये
बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही फंदा लेकर यहाँ से सी देना है इसको, और फिर ये धागे को पीछे लौटा लाना है ताकि धागा हमारा बिल्कुल इस जगह पर यहाँ पर दिखाई ना दे जहाँ पर हम इसको काटें। इसको यहीं पर अच्छी तरह से पक्का करके काट देंगे। अब देखिए हमारी ये दूसरी साइड बची है, तो अब हम ये वाला धागा लेंगे जो हील के पास वाला है, इसको सुई में डाल देंगे। देखिए इसको बिल्कुल यहाँ किनारे पर से लेंगे, इस किनारे से एक फंदा इधर का लेंगे और एक फंदा इधर का, और इसको हम सिलाई कर देंगे किस तरह से, बहुत इकसार से करके एक एक फंदा लेना है। बहुत ही खूबसूरत ये बुटीज रेडी होंगे, किसी भी पार्टी में आप इनको बच्चों को पहना सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से लेकर और यहाँ आखिर तक यहाँ तक सी लूँ, इसको यहाँ तक सीना है, इसे सीधे सीधे सीते जाना है आखिर तक, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये लीजिए हमारा ये बुटीज रेडी हो चुका है सिलकर। देखिए कितना खूबसूरत सा ये बनकर आया है, दोनों बुटीज रेडी हो चुके हैं। इस पर आप कोई भी बटन या कोई ब्रॉच